आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में, सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है हनुमान, जो कि महाराजाधिराज हैं। आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने, भगवान श्री राम ने राजाभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी